तो भाई अभी शाम के बज रहे हैं भाई 5, आज बिल्कुल ही क्वाइट है, मतलब रेस्टोरेंट पे भाई प्रेप चल रही है। व्हाट आर यू डूइंग मैन? टाइम हो रहा है भाई 9:20, तो फाइनली मैं घर पे आ चुका हूँ गाइस। तो अभी क्या है ना, अपना जो रेस्टोरेंट है भाई बहुत ही ज़्यादा क्वाइट चल रहा है, मतलब बिल्कुल भी भाई कस्टमर नहीं है। एक तो स्टैम्पेड चल रहा है, मुझे लग रहा है हमने सोचा था स्टैम्पेड में बिजी होगा, लेकिन भाई इधर उल्टा हो गया सीन। मतलब जब से स्टैम्पेड चालू हुआ है, तो आज लास्ट दिन है स्टैम्पेड का, देखते हैं भाई अभी नेक्स्ट वीक क्या रहता है। तो बाकी भाई आज जो मेरी शिफ्ट थी वो थी 3 बजे से, मतलब 3 बजे मैंने क्लॉक इन किया है और 8 बजे क्लॉक आउट, तो मतलब समझ लो भाई 5 घंटे बस खाली आज मिले मेरे को। तो यहाँ पर सारा जो गेम है ना भाई हावर्स का है, तो हावर्स नहीं मिलेंगे तो भाई कैसे चलेगा काम। तो बाकी क्या है, अभी खाना बन रहा है, खाना कुछ नहीं, मतलब एक शॉर्मा जो है मैं लेके आया हूँ रेस्टोरेंट से, और थोड़ा मैं सोच रहा हूँ भाई सूप बना लूँ, लेंटिल सूप, तो मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। जी रहा भाई अपना सूप, एंड इसमें मैंने राइस भी डाले हैं थोड़े से, राइस मैंने बहुत कम डाले थे, लेकिन अभी भाई ये बॉयल होने के बाद ना राइस ज़्यादा लग रहा है इसमें और दाल कम। एंड बाकी भाई बाहर का जो वेदर है भाई काफ़ी सही है आज, मतलब दिन से ही ठीक है, हवा भी चल रही है, और आज थोड़ा सा मतलब क्लाउडी भी था बीच बीच में, मतलब बादल लगे हुए थे और हवा अच्छी सी चल रही थी, तो इतनी गर्मी नहीं थी आज। तो भाई जब तक भाई मेरा सूप रेडी होता तब तक मैं वीडियो को फाइनल करता हूँ, उसको वीडियो को ना एडिट करके और अपलोड भी करना है आज, और उसके बाद भाई मुझे घर पर भी बात करनी है अभी मतलब। तो भाई अभी टाइम हो चुका भाई 11:15, तो फाइनली जो है अपना खाना वाना हो चुका है और वीडियो भी मैंने अपलोडिंग पर लगा दी है, मतलब टाइम सेट कर दिया मैंने शेड्यूल के साथ में, तो 12:30 बजे जो है पब्लिश हो जाएगी वीडियो। बाकी खाना थोड़ा सा ज़्यादा हो गया भाई, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा पार्क में चलते हैं, अभी थोड़ा टहल के आते हैं। बाहर का जो वेदर है अभी है +70, तो वेदर काफ़ी सही है आज। बाकी जो है आज है भाई स्टैम्पेड का लास्ट डे, जो कि डाउनटाउन में हो रहा है अभी स्टैम्पेड फेस्टिवल, तो मैंने सोचा था पहले कि वहाँ पर जाने के लिए, लेकिन मैंने सोचा भाई आज वीडियो भी डालनी ज़रूरी है, तो फिर मैं उधर गया नहीं, चलो कोई नहीं नेक्स्ट टाइम देखेंगे, नेक्स्ट टाइम मतलब नेक्स्ट ईयर सीधा अभी, क्योंकि 1 साल में होता भाई ये जो स्टैम्पेड है ना, हर 1 साल में होता है जुलाई के महीने में। भैया आज तो कोई भी नहीं दिख रहा यार पार्क में, एंड अभी तक फायर वर्क भी हुआ नहीं है, मतलब पटाखों की आवाज़ नहीं आई है, तो मुझे लग रहा है आज शायद 12 बजे होगा जो फायर वर्क है। स्टैम्पेड में डेली मतलब रात को 11:30-11:30 बजे फायर वर्क होता, मतलब पटाखे फूटते हैं, तो वो अभी तक साउंड सुनाई नहीं दिया मेरे को, बाकी एक बंदा बैठा हुआ है भाई यहाँ पे। भाई अभी मैं आ चुका हूँ भाई नीचे 14 स्ट्रीट पे, मतलब आगे की तरफ हमारा जो रूम है इस साइड में है 16 पे और ये है 14, तो मतलब 5 मिनट लगते हैं भाई यहाँ पे आने में। और यहाँ से जो व्यू आता है ना गाइस, नीचे का जो नज़ारा है ना भाई डाउनटाउन का, कुछ ऐसा दिखाई देता है, और ये वाला जो व्यू है ना काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारी जो बिल्डिंग थी ना पहले ये वाली थी, ये वाले अपार्टमेंट में हम लोग रह रहे थे, जो जिसमें ये लाइट जल रही ना उसके ऊपर वाला है, उसके बगल वाला जो मतलब रूम था उसमें हम लोग रह रहे थे, और यहाँ से नीचे का व्यू ऐसा कुछ दिखता था भाई, तो इस प्लेस को भाई बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ मैं। तो भाई अभी जो है ना फायर वर्क चालू हो गया भाई, मतलब स्टैम्पेड का पटाखों की आवाज़ यहाँ तक सुनाई दे रही है। गुड मॉर्निंग गाइस, भाई थोड़ा सा लेट हो गया मैं जॉब के लिए, और आज ना मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई भाई, मेरी नींद सुबह 6 बजे खुली, फिर दोबारा से मैं सोया ना तो अभी उठने का मन ही नहीं कर रहा था, बड़ी मुश्किल से उठा भाई, 9:40 हो चुके हैं, वैसे 9:30 में निकलता हूँ घर से, तो कोई नहीं मतलब 5-1 मिनट लेट हो जाऊँगा। बाकी भाई आज की जो वीडियो मैंने अपलोड करी थी उस पर अभी तक भाई मतलब 8 या 10 व्यूज़ आए हैं, मतलब पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। अभी थोड़ा सा सपोर्ट करो यार, शेयर वेयर मारो यार थोड़ा सा वीडियोस को प्लीज़। चलो गाइस, तो फाइनली भाई अपना क्लॉक इन हो चुका है, एंड ये देखो भाई प्रेप लिस्ट देख रहे हो गाइस, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो गाइस हालत ख़राब होगी भाई, आज सुबह 10 बजे शिफ्ट पे गया था, अभी 10 बजने वाले हैं, तो मतलब 10 घंटे भाई आज, और काफ़ी दिन के बाद आज रेस्टोरेंट ना बिजी हुआ है, तो हालत ख़राब होगी भाई। तो गाइस फाइनली रूम पे पहुंच चुका हूँ भाई मैं, एंड खिड़की खोल देते हैं भाई पूरी,
थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा रूम से, विंडो बंद थी तो गर्म है भाई रूम में। ये फिश करी भाई, कौन सा वाला फिश है ये जरा बताएंगे आप हमें? इन मलयालम इट्स मत्ती है, मत्ती मत्ती मलयालम में बोलते हैं इसको मत्ती। इन इंग्लिश इट्स सार्डिन, सार्डिन फिश। ओके, ये है फिश ऑफ कॉमनर्स इन साउथ, इट्स वेरी चीप, चीप एंड वेरी चीप एंड वेरी टेस्टी। फ्राई सही रहता है ना, करारा आइवन क्रिस्पी वाला। हमारा मसाला चाहिए नहीं तो गाइस अभी टाइम हो रहा है भाई 10:30, मतलब 10:30 हो चुके हैं और मैं नीचे आ चुका हूँ दोबारा से डाउनटाउन में, मतलब साइकिल लेके जा रहा हूँ मैं अभी नीचे। मैंने सोचा भाई चलो अभी क्या है थोड़ा सा साइकिल ब्लॉक करते हैं भाई आज, एक्चुअली नहीं तो अभी क्या है ना समर के 2 ही महीने बचे हुए हैं और मैं ये साइकिल भाई यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। तो भाई ये जो $200 मैंने इसमें लगाए ना, तो ये वैसी मतलब समझ लो बेकार चले जाएंगे फिर। तो भाई अभी हमने फ़ोन को कर दिया है बैक कैमरे पे शिफ्ट, तो ये पूरा 17 एवेन्यू है गाइज। अभी मैं हूँ 12 स्ट्रीट पे एंड ट्राई करते हैं भाई कैसे बनता है ब्लॉग आज मतलब। तो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ भाई 7 स्ट्रीट पे नीचे, और एक्चुअली मैंने ना वहाँ पे 1x पे किया था कैमरा अपना, और उसके बाद रिकॉर्डिंग मतलब बंद हो गई थी। यहाँ पे आके देखा भाई तो वीडियो ही रिकॉर्ड नहीं हो रही यार, क्या भाई क्या ब्लॉगर बनेगा रे बाबा तू। तो गाइस अभी आ चुका हूँ भाई मैं फर्स्ट स्ट्रीट एंड ये है स्टेपन एवेन्यू, तो ये भी भाई खाली पड़ा हुआ अभी। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 11:46, मैं आ चुका हूँ भाई सेंटर स्ट्रीट पे। मेरे पीछे देख रहे हो ये सेल्फी पॉइंट है भाई ये डाउनटाउन का। चलो अभी मैंने बैक कैमरे पे शिफ्ट कर लिया तो अभी आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो ये जो वाइट वाली गाड़ी है इसमें अभी 3 बंदे आए हैं, वो सामने चले गए भाई वहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचवाने के लिए, एंड 2 गाड़ियाँ वो अभी आई हैं, वो लोग भी अभी आए हैं। अभी उससे पहले 3-4 गाड़ियाँ और लगी थी तो वो लोग फ़ोटो वोटो खिंचवा के निकल गए हैं। तो ये डाउनटाउन का सेल्फी पॉइंट है भाई, सेंटर स्ट्रीट पर ये बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग की हाइट देखो भाई। अभी मैंने वाइट पे कर दिया तो अब दिखाई नहीं देगा बराबर से, ये देखो अब हाइट देखो भाई इसकी, ये भाई अभी अंधेरा है ऊपर तो पता नहीं चल रहा है इतना। ये वाली बिल्डिंग की भी काफ़ी हाइट है लेकिन इसकी ज़्यादा है मतलब। तो यहाँ पे लोग आते हैं रात के टाइम में, बाकी अपनी धन्नो भाई उधर खड़ी है साइड में। तो मेरे जो फ़ोन की बैटरी है अभी थोड़ा सा डाउन हो चुकी है, 10% पे आ चुकी है, देखते हैं अभी कितना चलती है। बाकी क्या है कि अभी मैं सोच रहा हूँ अब घर के लिए निकलते हैं भाई वापस, सब यहाँ से साइकिल चढ़ाई जाएगी नहीं चढ़ाई जाएगी पता नहीं है, मुझे लग रहा है ऊपर के लिए ना अपना जो रूम है यहाँ से ऊपर के लिए भाई। तो नीचे तो मैं आ गया स्पीड में, ऊपर जाने के लिए मुश्किल है। तो भाई जब भी टाइम हो रहा है 12:45 एंड अभी मैं पहुंच चुका हूं घर पे। तो मेरा जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ हो गया था 7 एवेन्यू पे। तो अभी क्या है खाना बन रहा है अपना, करी नितिन ने बनाई थी एंड राइस मैं बना रहा हूं अभी। बाकी भाई इसी के साथ में होता है भाई आज का ब्लॉग समाप्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद जय उत्तराखंड, बाय।